नमस्कार ट्रैवलर अवी ब्लॉग में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम कानपुर सागर फोर लेन हाईवे के नए अपडेट से आपको रूबरू करने आए हैं। 96 गांवों से गुजरेगा रमईपुरक बरई फोर लेन। NHAI ने अलाइनमेंट रिपोर्ट मुख्यालय भेजी, कानपुर से भोपाल जाना होगा आसान। कानपुर में जाम और हादसे का बड़ा सबब बन चुके रमईपुर से कबरई मार्ग को फोरलेन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित फोरलेन समानांतर हाईवे कानपुर नगर, फतेहपुर, हमीरपुर व महोबा के कुल 96 गांवों से होकर गुजरेगा। NHAI ने हाईवे निर्माण के लिए अलाइनमेंट रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी है। रिपोर्ट पर मुख्यालय की मुहर लगते ही गजट जारी किया जाएगा। इस रोड में हैवी वाहनों का सबसे ज्यादा लोड है। कानपुर सागर हाईवे पर हमीपुर कबरई से बड़े पैमाने पर गिट्टी, मोरंग, कानपुर, लखनऊ, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, अयोध्या, लखीमपुर आदि जिलों को भेजी जाती है। हर दिन हजारों की संख्या में डंफर और ट्रक गिट्टी, मोरंग लेकर जाते हैं। हाईवे पर हर दिन 2 लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं। कानपुर सागर हाईवे 2 लेन होने के कारण आए दिन दुर्घटना व जाम की समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ता है। मौजूदा हाईवे पर हादसों की तादाद सबसे ज्यादा है। पुलिस के प्रयास भी नाकाफी हो रहे हैं। 112 किलोमीटर लंबे रमईपुर से कबरई फोरलेन समानांतर हाईवे बनने के बाद आमजन को जाम व दुर्घटनाओं की समस्याओं से मिलेगी। इसके साथ ही कानपुर से भोपाल जाने का रास्ता भी सुगम होगा। NHAI ने कानपुर नगर, फतेहपुर, हमीरपुर व महोबा से गुजरने वाले हाईवे के लिए कुल 96 गांवों चिन्हित कर अलाइनमेंट रिपोर्ट सौंप दी है। NHAI परियोजना निदेशक अमन रोहिला के मुताबिक पर्यावरण NOC के लिए पर्यावरण मंत्रालय को भी पत्र भेज दिया गया है। यह फोरलेन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पार कर कबरई तक बनेगा। इसमें कानपुर नगर के 51, फतेहपुर के 4, हमीरपुर के 26 और महोबा के 15 गांव शामिल हैं। इन गांवों से होकर गुजरेगा फोरलेन हाईवे। कानपुर नगर में शंभुआ, कठेरुआ, काकोरी, चौराई, हरहा, छौकी, किशुनपुर, मंझावन, खेरसा, कठुई, मगरासा, रमईपुर, बाजपुर, लुधौरी, हाजीपुर, शुंभा 2, घाटमपुर तहसील में बरौली, रायपुर, पडरी लालपुर, सतरहुली, सरायं, सिरोह, भदेवना, छाजा, रामसारी, मिर्जापुर, कुम्हेड़िया, ओरिया, बमहौरा, इतर्रा, गुच्छुपुर, परास प्रथम खंड, कोरिया पश्चिमी, कोहरा, सजेती, बमहौरी, चितौली, अनुया, बावन, मदुरी, बरीपाल, असगहा, पडरी, गंगादीन, सिरसा, कंधौली, धरछुआ, मैधरी, असवार मऊ, समूही, लहुरी मऊ, कासिमपुर, परास द्वितीय खंड, कोरिया पूर्वी, फतेहपुर बिंदकी तहसील में परसेंढा एहतमाली, परसेंढा मुस्तकिल, गंगोपुर, श्यामपुर, हमीरपुर में देवगांव, गहतौली, जलाला, पटखुरा बुजुर्ग, टेढ़ा, अराजी, मुतनाजा, पंधेरी, पढ़ौली, पारा, पिपरा, चंदनपुरवा बुजुर्ग, भौनिया, पत्योरा दरिया, पत्योरा डांडा, मौधा तहसील में परछा, अरतरा, सढ़ा, अखीपुर, करहिया, गिधर्स, मदारपुर, छिमौली, छिरका, अकोना, रतवा, मौधा, रीवन गांव शामिल हैं। महोबा में खन्ना, चिचारा, बहीगा, बरबई, गौहारी, कबरई, मरहठी, बघवा, कैमाहा, रिवई, सुनेचा, बीला उत्तर, नहदौरा माफ, बरमहौली, कहरा, मरहठी गांवों से होकर यह फोरलेन हाईवे निकलेगा। NHAI जल्द ही इन गांव के लोगों से संपर्क करके उनके खेतों की कीमत मुआवजा देगा। कानपुर सागर हाईवे के फोरलेन होने से कबरई, हमीरपुर में लगने वाले जाम से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं झांसी खजुराहो फोरलेन तैयार होने से भोपाल से लखनऊ से आवागमन में समय की बचत होगी। महोबा जनपद स्टोन क्रशर उद्योग के लिए प्रदेश में प्रथम स्थान रखता रहा है, परंतु अब तक सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के महोबा से कानपुर तक मात्र 2 लेन होने तथा इस मार्ग पर वाहनों की अधिकता से महज 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता था।
वहीं अब 56 किलोमीटर के बाईपास बनने व कबरई से रमईपुर तक फोर लेन सड़क के निर्माण हो जाने से यह दूरी 2 घंटे में ही तय की जा सकेगी। साथ ही मौधा, भरुआ, हमीरपुर, घाटमपुर में लगने वाले घंटों के जाम से भी निजात मिल सकेगी। समय की बचत होने से महोबा जनपद में गिट्टी लेने आने वाले ट्रकों के फेरों की संख्या बढ़ जाएगी। अन्य गिट्टी मंडियों के ट्रक भी परिवहन सुगम होने से महोबा की ओर आकर्षित होंगे, जिससे जनपद के स्टोन क्रशर उद्योग के अच्छे दिन की आशा उद्यमियों में जग गई है।